नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। कैसे लगेगा वो दिन आ जाए हमारे देश में, या मैं कहूं हमारे देश में वो नया बदलाव आ जाए कि जब हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो 24 घंटे सिर्फ इस तरह की खबरें चलाएं कि कहीं देश के किसी हिस्से में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कहीं लूटपाट हो गई। सिर्फ 24 घंटे अगर इस तरह की खबरें चैनल्स पर चलने लगे तो आपको वो खबरें सुनने के बाद और देखने के बाद कैसा लगेगा, और उन खबरों का असर आपके परिवार वालों पर क्या पड़ेगा। यकीन मानिए आज हमारे देश की वही हालत है। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया के चैनल्स आपको हमारे देश का जो दूसरा पहलू है उससे अवगत नहीं कराते हैं, आपको सिर्फ एक पहलू देश का दिखाया जाता है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, उन्हें पैसा मिलता है और उस पहलू को देखकर आप भी खुश होते हैं, आपका एंटरटेनमेंट होता है। मगर यकीन मानिए वो जो दूसरा पहलू है हमारे देश का, उसे भी जानना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो जो दूसरा पहलू है वो हमारे देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा अड़चन पैदा करता है। ये जो दूसरे पहलू की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर आप किसी राज्य का निकालें तो शायद उत्तर प्रदेश वो राज्य होगा जहाँ पर ये सारे जितने भी बड़े बड़े अपराध हैं आए दिन इनकी खबर आपको मिलती रहेगी। चैनल्स पर नहीं मगर सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर आपको ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश को लेकर मिलती रहेंगी जहाँ कहीं किसी बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है, किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, कहीं बहुत बड़ी लूटपाट हो जाती है। ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश में बहुत आम हो गई हैं, यकीन मानिए। मैं आपको खबर बता रहा हूँ एक 19 साल की लड़की की जो उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली थी, जहाँ पर 4 दरिंदों ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, उसके साथ गैंग रेप किया। 14 सितंबर की एक घटना थी जिस लड़की को दिल्ली लाया गया था इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। आज उस लड़की ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब खेत में लड़की अपने परिवार वालों के साथ जा रही थी तो वहाँ 4 दरिंदों ने इसे घेर लिया, इसके साथ बलात्कार किया, इसकी कमर की हड्डी भी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसके ज़रिए आप चलते हैं, खड़े रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी मानी जाती है वो हड्डी इन दरिंदों ने उस लड़की की तोड़ दी। उसके बाद इन लड़कों ने, चारों लड़कों ने गैंगरेप करने के बाद उस लड़की की ज़बान भी काट दी ताकि वो कहीं पर उन लोगों का नाम शक्ल कुछ भी ना बता पाए पुलिस को। पर अब वो बताएगी भी कैसे, ज़बान काटने का फ़ायदा भी क्या हुआ जब उस लड़की ने दम ही तोड़ दिया। इसके बाद जब परिवार वालों को वो लड़की खेत में मिली बहुत बुरी हालत में, तो उसे अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज करवाया गया। मगर जब उसकी हालत में वहां कोई सुधार नहीं आया तो उसे अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया अच्छे इलाज के लिए। मगर इतने दिनों के संघर्ष के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और आज के दिन की सुबह हमारी देश की एक और लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। आज के दिन की सुबह हमारे देश को पर जो सबसे बड़ा धब्बा लगा हुआ है, इसका एक शिकार बन गई हमारे देश की एक और लड़की। चौंकाने वाली खबर तो ये है, या मैं कहूँ ये अब चौंकाने वाली खबर नहीं है, ये अब आम खबर बन चुकी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके पर फिर से उंगली उठी हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने काम करने में लापरवाही बरती हो। इस केस में भी पुलिस पर ये आरोप लगाया है परिवार वालों ने कि उन्होंने कई दिनों तक तो परिवार वालों की शिकायत ही नहीं सुनी, उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी। इस मामले को वो छेड़खानी का मामला बताकर आगे टालते रहे, मगर जैसे जैसे प्रेशर बनता रहा, पुलिस को लगा कि ये खबर अब फैलने लगी है, तो पुलिस ने कई दिनों के बाद उस परिवार की शिकायत दर्ज करी, उन चारों दरिंदों पर केस बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब उन चारों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि उन चारों दरिंदों को क्या सज़ा मिलेगी। हम आशा करते हैं कि उन 4 दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उस 19 साल की लड़की के साथ इतना बुरा काम करने के जुर्म में। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने, जो हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाती रही हैं और विपक्ष का काम भी है, जो सत्ताधारी सरकार होती है उसके कामकाज पर उंगलियां उठाना, उनकी कमी बताना, ये विपक्ष का काम होता है शुरू से ही, यही लोकतंत्र का काम करने का तरीका होता है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर कुछ बातें बताई, मैं आपको वो बातें सारी बताता हूँ, आप सुनिए। उन्होंने अपने बयान में कहा, यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है, अपराधी खुले आम अपराध कर रहे हैं, इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हाथरस में हैवानियत
झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। तो देखिए, अब ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्म सिटीज़ बनवाने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सोसाइटी, सर्विसेज देने से उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। अगर आपको उत्तर प्रदेश की चिंता है, अगर आप उत्तर प्रदेश में से इन सारे अपराधों को, इस गुंडे राज को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको ये जनता को दिखाना होगा कि आप अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर, अपने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी ने ये फैसला लिया था कि औरतों के साथ जो भी कोई अपराध करेगा, उसका नाम और उसकी फ़ोटो बड़े बड़े पोस्टर्स में छपवा कर चौराहों पर लगवा दी जाएगी, पूरी दुनिया को ये तमाशा दिखाया जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर इस कदम से उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं वो कम होते हैं, ख़त्म तो नहीं होंगे, वो अगर कम होते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो फिर मुख्यमंत्री का ये जो कदम है, ये जो फैसला है, ये कामयाब करार दिया जा सकता है। मगर फिर वही बात आती है कि निर्भया केस के जो अपराधी थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, उन्हें फांसी दी भी गई थी। तो क्या फांसी की सज़ा देखने के बाद भी ये दरिंदों, इन दरिंदों को समझ नहीं आया जो अब भी बलात्कार कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें आगे क्या सज़ा मिल सकती है? क्या वो काम जो फांसी की सज़ा नहीं कर पाई, वो काम ये पोस्टर्स कर सकते हैं जो चौराहों पर लगाए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, वक्त के साथ हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें इस सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, किसी चौराहे पर। जब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।